बात करें और चैलेंजेस की अगर हम बात करें और देखें कि क्या चैलेंजेस देखते हुए हमने ये सॉल्यूशन सेट्स लॉन्च किए हैं, तो 43% पाया गया दैट इश्यूज जो हैं वो बट उनसे जो कॉम्प्लेक्सिटी फ्यूचर में वो बहुत ज्यादा ह्यूज है। तो 43% पाया गया कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ड्राई या तो स्किन होती है, या 42% पाया जाए देखी गई। और ये दोनों चैलेंजेस ऐसे हैं जो आगे चल के हमारी स्किन के लिए कुछ मेजर चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई है देन वी नो कि ब्रेकआउट्स स्किन में हो सकते हैं, या हमारी स्किन अगर बहुत ही ज्यादा देखने के लिए देखे जाते हैं। सो यूथ इंडिया का एक्चुअली चाहता क्या है? क्या यू नो आफ्टर स्टडिंग अलॉट हमने जाना कि 78% कंज्यूमर कहते हैं दैट उनको प्रिवेंटिव अप्रोच की तरफ चलना है। वो नहीं चाहते हैं कि फ्यूचर में उनको चैलेंजेस आए स्किन चैलेंजेस, उसके बाद एक लॉन्ग प्रोसीजर के बाद हेल्दी स्किन मिले, तो प्रिवेंटिव अप्रोच रखना चाहते हैं। वहीं 87% ऑफ इंडियन यूथ चाहता है कि उनकी स्किन के लिए कुछ ऐसा हो स्ट्रॉन्ग जो नीड है स्किन की, विच इज स्किन हेल्थ, उसको कंप्लीट करने में मदद करे। वहीं 30% इंडियन मेन। सो ये जो रेंज है, सबसे पहले तो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट दिस रेंज इज नॉट ओनली फॉर वुमेन। एंड आर्टिस्ट्री के मैं किसी भी प्रोडक्ट की बात करूं, हम हमेशा मेन वुमेन दोनों के लिए ही ब्यूटीफुल स्किन रखने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस बूस्टेड रखने के लिए एंड स्किन को और ब्यूटीफाई और आपकी स्किन हेल्थ को एनहेंस करने के लिए, तो पाया गया कि 30% मेन ये चाहते हैं कि उनकी स्किन फेशियल स्किन केयर रूटीन में कुछ ऐसा हो जो कंप्लीट एक्सपेरिमेंट एंड रेजिमेन उनको प्रोवाइड कर सके। एंड एक आर्टिस्ट्री ऐसा ब्रांड है जो आपको स्किन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है विद द ब्रांड, विद द अमेजिंग ब्रांड बैक्ड बाय अमेजिंग ब्रांड न्यूट्रोलाइट, जो कि वर्ल्ड नंबर वन सेलिंग ब्रांड है ऑफ प्लांट बेस्ड विटामिंस एंड डायट्री सप्लीमेंट्स। सो यहाँ पर हमारे पास you know without thinking twice hum easily apne skin ko ye provide kara sakte hain for healthy radiant glowing skin ke samne introduce karti hu and I'm sure yahan par jitne log hum काफी ने तो ऑलरेडी इसको अप्लाई एंड यूज कर ही लिया होगा, वंडरफुल रिजल्ट्स ऑलरेडी हमारे पास आ चुके, फीडबैक्स हमारे पास आ चुके हैं। तो दो पावरफुल सेट्स जो ऑयली और ड्राई हेल्दी एंड यूथफुल स्किन के लिए हैं, और ये दो और ये दोनों ही जो आई वुड से के हमारे सॉल्यूशन सेट हैं, ये स्पेशली डिजाइन किए गए हैं फॉर द यूथ ऑफ इंडिया के लिए बनाए गए हैं। अब आइए थोड़ा समझते हैं कि स्किन काम कैसे करती है, क्या क्या कैसे हम पता लगा सकते हैं। अभी हमने बात करी ड्राई एंड ऑयली स्किन की, बट हाउ कैन वी यू नो आइडेंटिफाई कि हमारी स्किन ड्राई है या हमारी स्किन ऑयली है या फिर हमारी स्किन कॉम्बिनेशन है। तो सबसे इजी अगर मैं बताऊं कि कैसे हम इजीली समझ सकते हैं बिफोर यू नो गोइंग फॉर एनालाइजिंग एंड एवरीथिंग, सो आप देखेंगे आपके टी जोन में अगर आप देखते हैं कि ऑयलीनेस है, कई बार हम टिश्यू पेपर से भी चेक कर सकते हैं, डैब डैब करके अगर टिश्यू पेपर आप लगाते हैं देयर इज अ ऑयल रेजिड्यू दैट शोज कि आपकी स्किन ऑयली है। वही देखने के लिए मिलता है ब्रेकआउट्स हो गए हैं या फिर हमारी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई लग रही है। और इसके रीजन क्या हो सकते हैं? रीजंस आर वेरी क्लियर, हार्मोनल चेंज, स्ट्रेस, बैक्टीरिया, जेनेटिक्स, सीजनल चेंजेस, डायट्री चॉइसेस, ये कुछ चीजें हैं जो ऑयली स्किन में ऑयली स्किन को ज्यादा यू नो प्रोड्यूस करते ऑयल स्किन पर ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती हैं। एंड स्पेशली हम देखने के लिए देख सकते हैं कि ऑयली शाइन स्किन या फिर रेडनेस इरिटेशन होने लगी है, या फिर आपको यू नो ओपन पोर्स भी कई बार देखे जाते हैं फॉर ऑयली स्किन, या फिर स्पेशली एक्ने प्रोन बहुत ज्यादा ये स्किन होती है। अब बात करते हैं ड्राई स्किन की। ड्राई स्किन का रीजन क्या हो सकता है? एज, ऑफ कोर्स जब भी हमारी एजिंग की तरफ हम जाते हैं या रिंकल्स दिखने हमारी स्किन पर स्टार्ट हो जाते हैं, एक ऐसा फैक्टर है जो ड्राइनेस में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। वेदर, ड्यू टू वेदर चेंज भी हमारी स्किन ड्राई हो सकती है, जेनेटिकली भी हमारी स्किन ड्राई हो सकती है। हॉट बात, कई बार हम बहुत ज्यादा हॉट वाटर यूज कर लेते हैं, उससे भी हमारी स्किन ड्राई हो सकती है, या फिर कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं जो कि हमारी स्किन को और ड्राई कर रहे हैं एंड एक्सट्रीम ड्राई पोजिशन तक ले जा सकते हैं।
कुछ ऐसी मेडिकेशन हम ले रहे हैं जिससे हमारी स्किन और ड्राई हो जाती है, फ्लेकी स्किन हमारी स्किन पर कई 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 बार आपने देखा होगा रेडनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, या फिर पैचेस दिखने लग जाते हैं, या फिर हमारी स्किन में रिंकल्स दिख रहे हैं, या फाइन फाइन छोटे छोटे पोर्स जब दिखते हैं वो भी आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं दैट हमारी स्किन इज ड्राई। स्किन टाइप की बात करते हैं और आगे चलते हुए मैं आपको बताऊंगी सब बेसिक ओवरव्यू जो दिया गया है कि ड्राई अगर स्किन है हमारी ड्राई टू कॉम्बिनेशन देन हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन सेट हमारे लिए काम करेगा, और वहीं अगर हमारी कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है देन बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट हमारे लिए काम करेगा। गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा स्किन के बारे में हम जानेंगे, अभी अनुकंपा हमें थोड़ा डिटेल में बताएंगी डेफिनेटली। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी अबाउट दी you know how these products are different from other products in the market. So sabse pehle going forward made with the best purity and performance, next slide please, jahan par hum baat karte hain ki koi bhi animal testing in products pe nahi hui hai. These all products are vegan, paraben free, sulfate free, mineral free ye products hain, clinically tested प्रोडक्ट्स हैं, आप तक तभी पहुंच पा रहे हैं जब हम बिल्कुल अश्योर हो जाते हैं दैट दीज प्रोडक्ट्स आर बेस्ट फॉर योर स्किन हेल्थ। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें अबाउट दी इंग्रेडिएंट्स, क्या इंग्रेडिएंट्स में पाए गए हैं, तो नेचर के साथ मिलकर और सुपरस्टार फॉर योर स्किन इसमें डाला गया है विच इज White chia सपोर्ट करता है नॉर्मल फंक्शनिंग, ऑफ कोर्स आपकी स्किन बेनिफिटिंग बैक्टीरिया जो होते हैं उनको सपोर्ट करता है, मॉइस्चर एक काइंड ऑफ फूड प्रोवाइड करता है फॉर आर स्किन बेनिफिटिंग बैक्टीरिया, रिच इन फाइटोकेमिकल्स न्यूट्रिएंट है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ ये आता है, एंड ओमेगा थ्री, रिच इन ओमेगा थ्री है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर हेल्दी एंड और स्पेशली अगर मैं बात करूं अबाउट दीज प्रोडक्ट्स और कैसे ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को हमारी कंप्लीट करते हैं, तो पावरफुल स्किन केयर कॉम्प्लेक्स के साथ ही आते हैं, एंड साथ ही साथ पांच ऐसी स्किन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है जिनको हमने समझा, एंड स्टेप बाय स्टेप अगर हम उनको फुलफिल करते हैं दैट मीन्स कि हम अपने सोल्यूशन एंड हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी स्किन पर जो नॉर्मल बैरियर्स हैं उनको हमें सपोर्ट करना है, और उन बैरियर्स को सपोर्ट करने के लिए इन पांच न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को हमें फुलफिल करना है, जिसपे सबसे पहले हमें अपनी स्किन को प्योरीफाई करना है ताकि कोई डस्ट डर्ट धूल कोई भी चीज हमारे स्किन पे डीप इनसाइड जाकर इम्प्योरिटी ना बनाए। सो डिफेंस बैरियर को सपोर्ट करने के लिए हमें प्योरीफाई करने की जरूरत है, बैलेंस करने के लिए क्योंकि हमारी स्किन का पीएच बैलेंस हमें मेंटेन रखना है, माइक्रोबायोम बैरियर को हमें सपोर्ट करना है, स्ट्रेंथन करना है, रीबिल्ड जब हमारी स्किन को रीबिल्ड की जरूरत होती है व्हेन वी आर स्लीपिंग हमें रिपेयर रीबिल्ड भी करना है अपनी स्किन को ताकि हम अपने सपोर्ट बैरियर को स्ट्रेंथन कर सके, मॉइस्चराइज भी करना है, मॉइस्चर प्रोवाइड करना है ताकि जो नेचुरल मॉइस्चर है हमारी स्किन पर वो मेंटेन रह सके, प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम एनवायरमेंटल बैरियर जो एनवायरमेंट में एनवायरमेंटल बैरियर्स हैं जैसे कि डस्ट डर्ट पोल्यूशन पोल्यूटेंट्स, इन सभी से हमें अपनी स्किन को प्रोटेक्टेड रखना है। तो अगर ये पांच की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर देते हैं देन वी गेट दी हेल्दी स्किन, हमें एक हेल्दी स्किन प्रोवाइड हो सकती है, और इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम दो ऐसे सॉल्यूशन सेट्स लाए हैं जो आपको कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अभी बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट एंड हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन सेट, स्पेशली अगर मैं की कंसर्न्स की बात करूं तो ऑयलीनेस, एक्सेसिव ऑयल, शाइनी, जो काफी शाइनी हमारी स्किन हो जाती है बिकॉज ऑफ ऑयल, एंड दैट शोज कि हमारी स्किन का बैलेंस इज मिसिंग। जब भी हमारी स्किन पर एक्सेसिव आपको ऑयल दिखता है दैट मीन्स द बैलेंस इज मिसिंग, स्किन इरिटेशन हो सकती है, ब्लेमिशेस हो सकते हैं, हमारे पोर्स जो है वो बहुत ज्यादा बड़े हो सकते हैं अगर हमारी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है, देन हमारी स्किन को बैलेंस आउट हमें करने की जरूरत है ऑयल को, जिसमें हमारा बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट इन कंसर्न्स को कैटर करता है।
वही हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन सेट, जब भी हमारी स्किन या तो ड्राई है, एक्सट्रीम ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है, डलनेस देखी जा रही है, रफनेस है, या फिर कई बार हम देखते हैं हल्की हल्की सी फाइन लाइंस हमारी स्किन पर आने लगी हैं, तब भी हमें अपनी स्किन को बैलेंस सॉरी हाइड्रेट करने की जरूरत है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करने की जरूरत है। गोइंग फॉरवर्ड प्रोडक्ट की डिटेल्स बताने के लिए एंड लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं अब इन्वाइट करना चाहूंगी अनुकंपा को। अनुकंपा हमें वन बाय वन प्रोडक्ट्स की ओर ले जाएंगी एंड हमें बताएंगी कि कैसे अगर हम राइट स्टेप्स यूज करते हैं तो हमारी स्किन और ज्यादा हेल्दी और हमारी स्किन और ज्यादा ग्लोइंग रह पाती है, और कैसे हम जो ऑयल बैलेंस आउट करने की हम बात कर रहे हैं या फिर अपनी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं वो हम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अनुकंपा फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वुड लव टू हियर फ्रॉम यू कि कैसे हम अपनी स्किन को एक हेल्दी ग्लोइंग लुक दे सकते हैं, स्पेशली आई वुड से कि क्या स्टेप्स हमें यूज करने चाहिए, क्योंकि कई बारी हम ये चैलेंज देखते हैं कि अगर स्टेप्स राइटली हम यूज नहीं कर रहे हैं देन हमारी स्किन पर वो रिजल्ट्स आने में थोड़ा टाइम लगता है। सो ओवर टू यू। So thank you, Shimali, and good evening, everyone. So after launching Skin Nutrition Anti-Aging, so हमारे जो young customers थे उनकी ये बहुत ज्यादा demand थी कि हमें भी एक ऐसा ही product चाहिए जो इतना powerful हो, इतना ज्यादा advanced formula के साथ हमें भी वो सारी चीजें use करनी है अपनी skin को healthy करने के लिए। So after that, again Amway ने launch किया Artistry ने Skin Nutrition दो solution sets, जिसके बारे में अभी शिमाली जी ने बहुत ही अच्छे से detail में हम सभी को ये बताया कि क्या चीजें हैं, क्या benefits हैं ये दो solution sets की, और दो अलग अलग skin type को हमने इसमें cover up किया है। So one solution that is the balancing solution, जो कि हमारे oily to कॉम्बिनेशन स्किन के जो भी कस्टमर्स हैं, पर्सन्स हैं, उनको हम टारगेट करते हैं। एंड सेकंड वन इज द हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन सेट। ठीक है, सो अभी हमने सभी ने जाना कि क्या बेनिफिट्स और क्या फीचर्स हैं। सो उनके साथ साथ बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्ट को एक राइट वे में यूज करना, बिकॉज उससे शायद आप जो एक्चुअल प्रोडक्ट का रिजल्ट है या जो एक्चुअल बेनिफिट्स हैं शायद तब तक आपकी स्किन में वो पूरी तरह से ना आए, अगर आप एक राइट प्रोसीजर से या एक राइट मेथड से प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं। सो बहुत बार आपको भी ये हो सकता है ये चैलेंजेस आए या आपके आपको क्वेरीज आए आपके कस्टमर्स की कि हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, बिकॉज प्रोडक्ट्स तो हम सभी चीजें अच्छे से यूज कर रहे हैं तो भी रिजल्ट्स क्यों नहीं विजिबल हो रहे। तो डेफिनेटली अपने कस्टमर से आप जरूर पूछें कि वो किस तरीके से प्रोडक्ट को अप्लाई कर रहे हैं, सो मे बी उसकी वजह से भी शायद वो डिजायर्ड रिजल्ट्स अपने चेहरे पर नहीं देख पा रहे हैं। सो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी आप सभी को कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको इन प्रोडक्ट्स को यूज करना है अपने स्किन के ऊपर। सो आप जो दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन सेट यूज कर रहे हैं, मेथड जो है यूसेज का वो सभी प्रोडक्ट्स के लिए, इनफैक्ट अगर जो हमारे कस्टमर्स में एंटी एजिंग यूजर्स भी हैं वो भी सेम थर्ड से ही प्रोडक्ट एप्लीकेशन करेंगे। अब दो सॉल्यूशन सेट्स हैं तो अभी मैं इस वक्त जो आपको अपने फेस पर यूज करके दिखाऊंगी दैट इज द हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन, बिकॉज मेरा जो स्किन है वो थोड़ा ड्रायर साइड पे है, स्किन चेंज भी होता है तो डेफिनेटली वेदर के साथ आप अपनी स्किन को जरूर जज करें कि आपका स्किन टाइप कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्किन पे सॉल्यूशन सेट को यूज करें। सो मैं अभी यहाँ पर आपको हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन सेट यूज करके दिखाऊंगी फेस पे वन बाय वन। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट स्टेप दैट इज द क्लेंजर वन। सो दिस इज आवर क्लेंजर। सो ये हमारा हाइड्रेटिंग क्लेंजर का पैकेजिंग है। सो इट्स बेसिकली इसका नाम जो है दैट इज हाइड्रेटिंग मूस क्लेंजर। तो मूस क्लेंजर मीन्स की जो इसका फॉर्मुलेशन है या फिर जो इसकी बेसिकली अगर अभी आप देखेंगे कि ये जो एक पंप की शेप में आया है तो जब मैं इसे प्रेस करूंगी तो आपको एक फॉर्म की तरह, एक मूज की तरह आपके हैंड में आएगा। तो इसे आप जब फेस पे रबिंग करेंगे तो अभी मैं साथ साथ आपको पहले क्लियर करके दिखाती भी हूँ कि कैसे आपको इनको करना है। सो सबसे पहले स्टेप, क्लीन योर फेस। लाइक ऑलरेडी आपको क्लेंजर से क्लीन करना है बट स्टिल हमारे फेस पे कुछ डस्ट होती है, कुछ मेकअप होता है, तो मेक श्योर कि आप क्लेंजर करने से पहले उसे जरूर क्लीन करें।
ठीक है, तो मैं अभी वेट वाइप ले रही हूँ, आप घर में अपने डायरेक्टली जो है वाटर से अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। अगर आपने कुछ हैवी मेकअप यूज किया है फेस पे, तो आप पहले अपने मेकअप को अच्छे से रिमूव करें, लाइक लिपस्टिक, काजल, लाइनर, अगर आप कुछ भी वियर कर रहे हैं तो पहले आप उसे अच्छे से रिमूव करें, देन आप अपने क्लेंजर पार्ट पे आए। सो अभी मेरे फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं है, जस्ट नॉर्मल फेस है, जो मेरे स्किन केयर किया है सुबह से वही है, तो इसलिए मैं नॉर्मल एक क्लीन वेट वाइप से फेस को वॉश कर। और जब भी आप अपना स्किन केयर यूज करें, उससे पहले आप अपने हैंड वॉश डेफिनेटली करिए। मैं ऑलरेडी करके बैठी हूँ हैंड वॉश, तो आप जब भी अपना स्किन केयर फॉलो कर रहे हैं मॉर्निंग इवनिंग, सबसे पहले अपने हैंड्स को जरूर वॉश करें, बिकॉज बहुत सारे जर्म्स होते हैं हमारे हैंड्स पे, तो आपका जो भी आप प्रोडक्ट अपने हैंड से लगा रहे हैं फेस पे, वो भी आपकी स्किन पे उतने ही जर्म्स और इन्फेक्शन को लेकर आएगा। सो प्लीज अपने हैंड जरूर क्लीन करें। सो स्टार्ट करते हैं विद द क्लेंजर। तो अभी मैं दिखाऊंगी किस तरीके का ये प्रोडक्ट आपको आएगा, लाइक दिस। सो आप सभी देख पा रहे हैं, इट्स अ फॉर्म, बिल्कुल ऐसे लग एक झाग की तरह ये आया है हैंड पे। सो क्वांटिटी बहुत ज्यादा मत यूज करिए, बिकॉज देखने में ऐसा लगता है कि ये तो जस्ट एक फॉर्म है, फेस पे कुछ भी नहीं लगेगा, कोई अच्छे से क्लीनिंग नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है। इतना सा प्रोडक्ट इजिली आपके फेस पर स्प्रेड भी होगा और आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन भी करेगा। सो जस्ट वन पंप सफिशियंट, बिकॉज ये बहुत सारे लोगों की क्वेरीज है कि उनको लगता है प्रोडक्ट बहुत कम निकल रहा है या ये फॉर्म मेरे फेस पर क्लीन नहीं कर पाएगा, तो वो बहुत ज्यादा ले लेते हैं। सो पहले जस्ट वन पंप से ही आप स्टार्ट करिए। सेकेंड, आपका जो अप्लाई करने का मेथड होगा, उसमें आप अगेन हैंड पे लेके रबिंग करके नहीं आप यूज करेंगे, आपको सबसे पहले अपने फेस पे प्रोडक्ट को डिवाइड करना है इनटू सिक्स पार्ट्स। तो सिक्स पार्ट्स कैसे होते हैं, लाइक फोरहेड, नोज, चिन, दोनों आप चीक्स कवर करेंगे, एंड आफ्टर दैट योर नेक एरिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है और मोस्टली हम सभी लोग इग्नोर कर देते हैं इसको, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने सिक्स पार्ट्स में अपने फेस पे प्रोडक्ट को डिवाइड कर लिया। अब मैं अपने हैंड्स को थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, एंड स्टार्ट विद योर नेक एरिया। सो हमेशा आप स्टार्टिंग ही हमेशा नेक से करें, ताकि आप कभी भी अपने फेस वॉश में नेक को अवॉइड ना कर पाए या भूल के भी, क्योंकि मोस्टली हम सभी को हैबिट नहीं होती है, तो हम लोग जस्ट अपने इसी एरिया को क्लीन करने में ज्यादा ध्यान देते हैं, और उसी वजह से हमारे नेक एरिया पे आप देखेंगे टैनिंग, पिगमेंटेशन, एजिंग साइंस जो है वो बहुत ही जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। सो आफ्टर नेक क्लीनिंग मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही हूँ, लाइक स्टेप बाय स्टेप मैंने जॉ लाइन क्लीन किया है अपना। अगर आप देखेंगे मैं बहुत बेसिक स्टेप्स बताने वाली हूँ, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कोई डिटेल में जाना है, सिंपल अपने बेसिक स्टेप्स करिए विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स, ठीक है। देन धीरे धीरे आप अपने चीक्स को राउंड सर्कल्स देते हुए, स्मॉल एंड राउंड सर्कल्स, ठीक है। देन योर अपर लिप एरिया, और उसके साथ साथ ये हमारे जो लिप कॉर्नर्स हैं, डेफिनेटली इनको जरूर क्लीन करें, बिकॉज ये जो एरिया होता है हमारा, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर ब्लैकहेड, व्हाइट हेड्स या ब्लैकनेस आप देखेंगे, पिगमेंटेशन भी हमारे इस एरिया पे, स्पेशली इंडियन स्किन पे यहाँ पर पिगमेंटेशन भी आता है। देन नोज एरिया, सो नोज के लिए विद द फिंगर टिप अच्छे से नोज कॉर्नर्स जो है वो आप क्लीन करिए। सो अगर आपको लग रहा है कि आपके फेस पे प्रोडक्ट ड्राई हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा आप अपने फिंगर टिप्स को वेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका प्रोडक्ट ड्राई हो रहा है तो आप उसे उसी तरीके से नहीं मसाज करेंगे, आपका जो फ्लो है आपके हैंड्स का वो बहुत स्मूथ रहना चाहिए। तो आप अपने क्लेंजर के दौरान आप जो भी आपको लग रहा है अपने हैंड्स को जरूर वेट रखिए। सो फोरहेड के लिए आप ओनली अपनी टू फिंगर्स को यूज कर सकते हैं, बिकॉज स्मॉल एरिया होता है तो पूरे हैंड को जरूरत नहीं है, जस्ट विद द टू स्मॉल आपकी सॉरी टू फिंगर्स के हेल्प से आप स्मॉल राउंड सर्कल्स दीजिए इस तरीके से, और आईज के अराउंड भी। So, ये बहुत बेसिक स्टेप्स हैं, तो आप
आपको एक बार और मैं नेक टू जॉलाइन इस तरीके से आप क्लीनिंग दीजिए, ठीक है, एंड देन अपर लिप, देन चीक्स. सो इसमें अभी मैं बहुत स्लोली स्लोली आपको दिखा रही हूँ, तो आपको लगेगा ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट ऐसा नहीं है. जस्ट 1 मिनट, लाइक 60 सेकेंड्स आपको अपने फेस पर देने हैं, क्योंकि क्लिंजिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. जब तक आपके फेस पर क्लीनिंग नहीं होगी प्रॉपरली, आप जो भी प्रोडक्ट लगा रहे हो वो अच्छे से पेनिट्रेट नहीं होगा, ठीक है. और अगर आपके फेस पर जर्म्स रह गए हैं, डस्ट रह गई है, तो डेफिनेटली आपकी जो स्किन है वो कभी भी आपको हेल्दी नहीं रहेगी, कभी भी आपको ग्लोइंग नहीं नजर आएगी, ठीक है. सो आफ्टर दैट मैं अभी फेस को क्लीन करने जा रही हूँ. आप घर में डायरेक्टली पानी के साथ स्प्लैश कीजिए और अच्छे से प्रोडक्ट को रिमूव करिए. सो ये 1 पंप जो मैंने फॉर्म लिया था, इतना मेरे फेस के लिए परफेक्टली फाइन था. मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील हुआ कि मुझे प्रोडक्ट और लगाने की जरूरत है, ठीक है. सो आप इसे इतनी ही क्वांटिटी यूज करिएगा. स्टिल अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे लेना है और, तो आप ले सकते हो, बट स्टार्ट, बिकॉज ऑब्वियसली एक बार प्रोडक्ट निकल गया तो वो वापस नहीं जाएगा, तो इसलिए आप उसे So, clean हो चुका है. मैं थोड़ा सा ड्राई टिश्यू के साथ इसे फेस को अपने ड्राई करूंगी. सो आई फील वेरी रिफ्रेशिंग, रिलैक्सिंग, मतलब बाय, बिकॉज जब भी हमारे फेस पे हम सारा दिन, लाइक चाहे हमारे फेस पे मेकअप है नहीं है, बट स्टिल हम बहुत टायर्ड फील करते हैं, बिकॉज स्किन भी टायर्ड होती है हमारे. जैसे ऐसे डस्ट पॉल्यूशन आते हैं, स्किन भी बिल्कुल डल होना स्टार्ट हो जाती है. आप फील करेंगे कि जब भी हम स्किन को क्लीन करते हैं एकदम से स्किन बहुत फ्रेश फील करती है, बट कुछ देर बाद ऑयल आ जाता है, डस्ट आ जाती है, तो स्किन टाइट हो जाती है. तो आई थिंक यू ऑल कैन सी कि कितना एकदम से रिफ्रेशिंग लग रहा है. मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा फील हो रहा है, एकदम से ऐसा लग रहा है स्किन ब्रीथ कर रही है. सो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, बिकॉज स्किन क्लीनिंग हो चुकी है. सो आफ्टर क्लीनिंग हमें जरूरत है कि हमारे जो पोर्स क्लीन हुए हैं, पोर्स की ओपनिंग हो जाती है, बिकॉज क्लेंजर स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके अच्छे से डस्ट को, डर्ट को निकालता है, साफ करता है, तो इसलिए पोर्स ओपनिंग होती है. तो अब हमें पोर्स को रीशेप करना है, अपनी ओरिजिनल शेप पर वापिस लाना है. और इनफैक्ट अगर स्किन विद द एज या फिर विद द स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली थोड़े ओपन पोर्स आने शुरू हो जाते हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप टोनिंग डेफिनेटली करें. सो दिस इज आवर टोनर. सो इट्स अ हाइड्रेटिंग टोनर, आप देख सकते हैं, इट्स अ वाटर बेस्ड प्रोडक्ट. इस तरीके का ये बॉटल में सोल्यूशन आता है. सो इसे यूज करने के लिए आपको चाहिए कॉटन. अगर स्टिल कभी किसी सिचुएशन में आपके पास कॉटन अवेलेबल नहीं है, तो यू कैन यूज योर फिंगर टिप ऑल्सो अगर आपके पास नहीं है. बट अगर है अवेलेबल, तो आप प्रेफर करिए कि आप इसे कॉटन के साथ ही अप्लाई करें, ठीक है. सो आप यहाँ पर, मैं कॉटन ले रही हूँ, उस पर 3 to 4 drops आपको लेने हैं, ठीक है. एंड देन उसके बाद जस्ट स्किन पे टैप करना है, ठीक है. रबिंग नहीं करनी है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है अगेन इसे सोचते हैं कि हम टोनर से एक क्लीनिंग देंगे तो शायद और ज्यादा, बट ऐसा नहीं है. टोनर का जो काम है वो आपके पोर्स को टाइटनिंग देना, आपके पीएच लेवल को बैलेंस आउट करना, बिकॉज ड्यूरिंग क्लेंजर पार्ट हमारा पीएच लेवल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो उसको हम दोबारा से बैलेंस आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है. और अगर वैसे तो हमारा जो क्लेंजर है वो ऑलरेडी बहुत टाइनी पार्टिकल्स PM2.5 पॉल्यूटेंट्स को भी क्लीन कर देता है, ठीक है, बट स्टिल अगर कुछ भी रेजिड्यू रहा होगा फेस पे, तो उसे भी हम क्लीन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टोनर, ठीक है. सो इस तरीके से आपको टोनिंग को करना है. सो अगर आप फिंगर टिप के साथ यूज करते हैं, तो आप हैंड पे लेंगे 3 to 4 drops विद द फिंगर टिप, जस्ट ऐसे टैपिंग कर देंगे, ठीक है. एंड अगेन उससे पहले मेक श्योर कि आपके हैंड्स और जो है वो वॉश होने चाहिए. सो अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने लास्ट स्टेप पे, दैट इज द मॉइस्चराइजर पार्ट.
ठीक है। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आप कोई भी रेजीम फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप बैलेंसिंग सॉल्यूशन कर रहे हैं, चाहे आप एंटी एजिंग सॉल्यूशन कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट यूज करें, या फिर हमारे जो पहले अभी पुराने आते थे जेल क्लेंजर वगैरह, अगर आप वो भी यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी पुराने, स्टिल मेथड ऑफ यूजिंग प्रोडक्ट जो है वो यही रहेगा सेम, ठीक है। एंड देन लास्ट इज द मॉइस्चराइजर पार्ट। सो दिस इज आवर हाइड्रेटिंग डे लोशन, अगर आप देखेंगे, और इस पे एक सन का साइन भी है, इट मीन इसमें सन प्रोटेक्शन है, SPF डाला हुआ है, दैट इज 30 SPF विद PA+4+, जो कि आपको हायर प्रोटेक्शन देता है, आपको ब्लू लाइट से भी आपकी स्किन को बचाता है। लाइक नॉर्मली आज के टाइम में हम लोग धूप में बहुत कम जाते हैं, बट उसके अलावा हम स्ट्रॉन्ग LED लाइट्स के नीचे, लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे जो काम कर रहे हैं, उनकी जो लाइट्स हैं, ब्लू लाइट्स, इंफ्रारेड लाइट्स जो होती हैं, या फिर हमारे आसपास जो इतने डिजिटल्स रहते हैं उनके जो रेज हैं, उनकी वजह से जो हमारी स्किन डैमेज हो रही है वो आज के टाइम में ज्यादा हार्मफुल है। बिकॉज धूप में तो आप देखेंगे बहुत कम लोग जाते हैं, बट स्टिल स्किन इश्यूज जो हैं, पिगमेंटेशन, एजिंग, वो आज के टाइम में सबसे ज्यादा फास्ट हो चुकी है। जबकि अभी हम लोग डस्ट, मतलब मैं कहूंगी कि बाहर हम बहुत कम होते हैं पॉल्यूशन में, या फिर हम लोग धूप में बहुत कम रहते हैं, स्टिल हमें ये इश्यूज आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस, जो एक टेक्नोलॉजीज इंक्रीज हो गई है हमारे आज के टाइम में उसकी वजह से। सो मेक श्योर कि आपका SPF जरूर लगा होना चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन मुझे बोलते हैं जब मैं SPF की बात करती हूँ कि हम तो घर से बाहर निकलते ही नहीं है, हम तो सारा दिन ऑफिस में ही रहते हैं, तो हमें जरूरत नहीं है। मतलब आज भी बहुत सारे लोग जो है वो ये सोचते हैं कि उन्हें सनस्क्रीन लगाने की नीड नहीं है। सो अगर आपको अपनी स्किन को हेल्दी रखना है, आप चाहते हैं कि आपकी स्किन में अगर कोई इश्यू नहीं है और वो कभी आए भी ना, सो प्लीज प्लीज अपने रेजिम में डेफिनेटली SPF को यूज करें, जिसमें अगर आप ऑलरेडी हमारे सॉल्यूशन सेट्स यूज कर रहे हैं तो आपको अलग से सेपरेटली कुछ भी नहीं लगाना है, आपको जस्ट मॉइस्चराइजर लगाना है, सनस्क्रीन आपको साथ में ही मिल रहा है, ठीक है। सो पी साइज क्वांटिटी आप इसकी यूज करेंगे, बहुत ही जस्ट इतना सा क्वांटिटी आपने लेना है, सफिशियंट है। प्रोडक्ट की स्प्रेडेबिलिटी शुरू से ही आर्टिस्ट्री के सारे प्रोडक्ट्स में बहुत ही अच्छी रही है, बहुत कम क्वांटिटी है जो यूज होती है, सो बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अगेन आप पहले पी साइज क्वांटिटी लें, स्टिल आपको अगर लगता है कि आपको थोड़ी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से ही 6 पार्ट्स में मैंने अपने फेस पे डिवाइड कर लिया है, बिकॉज अगेन हमें अपने पूरे फेस पे, हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो इक्वली स्प्रेड हो, ऐसा ना हो कि एक जगह ज्यादा लग गया, एक जगह कम लग रहा है, या फिर प्रॉपरली अच्छे से ब्लेंड ही नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे विद द अगेन नेक एरिया, सो इस तरीके से नेक पे करते हुए, देन आफ्टर दैट योर चेन एरिया, तो मैं थोड़े से इस तरीके के लिफ्टिंग स्टेप्स दे रही हूं अपवर डायरेक्शन में आपको, आप हल्का सा, मैं ये नहीं कह रही हूं कि कोई प्रॉपर मसाज स्टेप्स देने हैं, बट डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करवाना है तो आप हल्का सा तो मसाज देंगे, बिकॉज मसाज देने से अगेन आपकी स्किन में प्रोडक्ट अच्छे से पेनिट्रेट होता है, ठीक है। तो अगर आप जस्ट ऐसे ही लगा के छोड़ देंगे तो आपका स्किन ऑयली भी नजर आएगा, ठीक है, और आपको कोई प्रॉपर बेनिफिट भी नहीं दिखेगा प्रोडक्ट को, क्योंकि प्रोडक्ट पेनिट्रेट ही नहीं हुआ स्किन के अंदर, तो वो अगेन आपकी स्किन को प्रॉपरली रिजल्ट्स नहीं देगा, ठीक है। तो मॉइस्चराइजर को आप डेफिनेटली आईज के अराउंड भी लगाएं, अगर आप आई क्रीम यूज कर रहे हैं, हमारी हाइड्रेटिंग आई क्रीम भी आती है, तो अगर आप वो यूज कर रहे हैं तो वो आप लगाएंगे, ठीक है। उसको भी मैं एक बार बता देती हूँ, वैसे वो मॉइस्चराइजर से पहले भी आप लगा सकते हैं, अगर आप कभी भूल जाते हैं तो उसके बाद भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बट कोशिश करिए कि आप पहले ही स्टेप में यूज करें। एंड देन फोरहेड एरिया, सो फोरहेड के लिए आप इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में करते हो, बिकॉज ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स नहीं है, तो ऐसा कोई मतलब लाइक वो नहीं है कि आपका
आपको लिफ्टिंग ही स्टेप्स देने हैं, आप डाउनवर्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एंटी एजिंग जो कैटेगरीज के लोग होते हैं उनको डेफिनेटली हम सजेस्ट करते हैं कि वो अपर डायरेक्शन में ही यूज करें जो भी करें, ठीक है. बट स्टिल मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी लोग एक हैबिट रखें अपवर्ड करने के लिए, क्योंकि उससे क्या होता है जब आप एक हैबिट रखते हैं तो आपको हमेशा आप इसी तरह से अपनी स्किन को ट्रीट करेंगे, क्योंकि हम जितना स्किन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे उतना ही हमारी स्किन जो है वो टाइट रहेगी, ठीक है. सो अभी आप देख सकते हैं मॉइस्चराइजर मैं लगा चुकी हूँ, स्किन मेरी ऑलरेडी ग्लो कर रही है बिकॉज जैसे मैंने हाइड्रेटिंग यूज किया है. तो हाइड्रेटिंग पर्सन जो मतलब जो ड्राई स्किन का पर्सन होता है वो डेफिनेटली यही चाहता है मेरी स्किन में ग्लो शाइन होना चाहिए, बिकॉज यही मेन इश्यू होता है उनकी स्किन का. सो मैं ऑलरेडी देख सकते हैं आप सभी लोग कि मेरी स्किन ऑलरेडी ग्लो एंड शाइन कर रही है आफ्टर अप्लाइंग मॉइस्चराइजर, और मुझे बिल्कुल भी स्टिकी नहीं फील हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट प्रॉपरली अच्छे से पेनिट्रेट हो चुका है स्किन के अंदर, ठीक है. सो इस तरीके से 1 मिनट का टाइम आप डेफिनेटली अपने मॉइस्चराइजर पार्ट में भी दीजिए. सो इसे हम 3 मिनट में कह सकते हैं कि 3 मिनट स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं फॉर CTM, क्लेंजर टोनर एंड मॉइस्चराइजर. 1 मिनट ईच प्रोडक्ट को आप जरूर दीजिए, तो आई थिंक आप सभी लोग इतने 24 आवर्स में 3 मिनट्स मॉर्निंग और 3 मिनट्स इवनिंग, सो टोटल 6 मिनट्स आप अपने रेजीम को जरूर दीजिए अपनी स्किन को हेल्दी करने के लिए. अगर आप कोई भी सीरम्स या आई क्रीम्स यूज करते हैं तो वो आप इसी रेजीम में बीच में यूज करेंगे. जैसे मैंने बताया क्लेंजर टोनर करने के बाद आप आई क्रीम यूज कर सकते हैं, तो मैं वो एक बार दिखा देती हूँ कि हमारा ये आई क्रीम आता है इस सोल्यूशन सेट में, दैट इज द हाइड्रेटिंग आई क्रीम, जिसमें भी आपके अगर डार्क सर्कल्स हैं या फिर आपके अर्ली एजिंग साइंस आपको नजर आ रहे हैं आंखों के ऊपर, वो आप जो है वो कर सकते हैं उसके लिए, ताकि अर्ली एजिंग साइंस पे मैं काम कहूंगी कि अभी ज्यादा नहीं आए हैं बट आप चाहते हैं कि आपकी एजिंग साइंस और ना बढ़े, या फिर इन फ्यूचर आप अपनी थोड़ी सी आईज को ब्राइटन अप भी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अपने रेजीम में आई क्रीम को भी जरूर ऐड करें. लगाने का मेथड सिंपल है, विद द रिंग फिंगर जस्ट टिप पे लेके आपको डैबिंग करनी है और अच्छे से ब्लेंड करना, ठीक है. इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करते हुए आपको जस्ट ब्लेंड करना है, ठीक है. इसके साथ में आपको हमारे दूसरा जो सॉल्यूशन सेट है मैं वो भी आपको एक बार दिखा देती हूँ कि वो प्रोडक्ट भी किस तरीके से नजर आते हैं, कैसी पैकेजिंग है. तो उसमें सबसे पहला स्टेप जाता है हमारा क्लेंजर का. So this is our cleanser. So balancing jelly cleanser. तो ये packaging है हमारे balancing jelly cleanser की. So जैसे again नाम से specifically पता चल जाता है कि it's a gel based. So ये gel based formula के साथ बना है. तो जैसे हमारा hydrating mousse cleanser था तो वो mousse की तरह हमारे फॉर्मुलेशन थी, तो ये जेल बेस्ड फॉर्मूला है. इसमें कूलिंग इफेक्ट भी है, लाइक इसको जब आप वॉश करेंगे तो आपको एक ठंडा सा एक मिंटी सा फ्लेवर मतलब वो फील होगा आपकी स्किन को कि एक कूलिंग इफेक्ट आ रहा है आपकी स्किन में. सो सेकंड इज द टोनर. सो दिस इज आवर बैलेंसिंग टोनर. बट बैलेंसिंग टोनर में हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ ऐसे एक्टिव पाउडर है जो हमें यूज करने से पहले एक बार शेक जरूर करना होता है. सो जो भी लोग बैलेंसिंग टोनर यूज करेंगे वो मेक श्योर कि यूज करने से पहले इसे शेक जरूर करें, 30 सेकंड्स तक शेक करें, तो उससे क्या होता है ये एक्टिव हो जाता है तो प्रॉपरली आपकी स्किन पे ये रिजल्ट देगा. तो अब आप देख सकते हैं आप सभी लोग ये प्रॉपरली मिक्स हो चुका है, ठीक है. तो इस तरीके से आप डेफिनेटली यूज करने से पहले इसे शेक जरूर करें फॉर 30 सेकंड्स. एंड देन लास्ट वन इज दी बैलेंसिंग मैट डे लोशन. सो ये इस तरीके की पैकिंग है, सेम पैकेजिंग है जैसे हमारा हाइड्रेटिंग लोशन था. सो ये आप देख सकते हैं, दिस इज आवर हाइड्रेटिंग एंड बैलेंसिंग. सो सेम विद सनस्क्रीन के साथ है, 30 SPF PA+. सो दोनों ही जो मॉइस्चराइजर्स हैं. सो अगेन अपनी स्किन टाइप को डेफिनेटली सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी स्किन टाइप को जज करें. और वन मोर थिंग जो मैं सभी को कहना चाहूंगी कि ये मत सोचिए कि आपका स्किन जो है वो 365 डेज सेम रहेगा, ऐसा नहीं होता है. स्किन वेदर के साथ एज के साथ चेंज भी होता है, बिकॉज अगेन बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि एक सॉल्यूशन सेट लिया
तो वो वेदर चेंज होने पे भी वही सॉल्यूशन सेट यूज करते रहते हैं तो स्किन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं कि ड्राइनेस आने लगी या फिर बहुत ऑयली होना शुरू हो गया। तो अपनी स्किन को जज कीजिए, जैसे हमारी बॉडी हमें बताती है कि कब हमें ठंड लग रही है कब गर्मी लग रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने क्लोथ्स चेंज करते हैं, हमारी बॉडी हमें खाने को बताती है कब हमें क्या खाना है कब कैसा नहीं खाना है, तो सेम आपका स्किन भी आपको ये बताता है कब उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस टाइम पे उसको ड्राइनेस लग रही है, कब उसको ऑयली लग रहा है या कब उसको थोड़ा कॉम्बिनेशन फील हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत फ्रिक्वेंटली स्किन चेंज होता है, बट डेफिनेटली एक जो एक्सट्रीम वेदर जब चेंज होता है, विंटर्स आती हैं या फिर एक्सट्रीम समर्स आती हैं, तो थोड़ा सा स्किन चेंज होता है, तो उसे समझिए और उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट्स को भी थोड़ा बहुत चेंज करिए, ठीक है, ताकि आप हमेशा अपनी स्किन पे जो है वो एक हेल्दी ग्लोइंग और हमेशा आपकी स्किन जो है वो अच्छा फील करे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी स्किन को भी जरूर समझने की कोशिश करें कि वो कैसा डिमांड कर रही है, ठीक है। सो आई होप आप सभी क्लियर होंगे कि किस तरीके से आपको इन प्रोडक्ट्स को यूज करना है और कैसे आपको चूज करना है अपनी स्किन को और क्या हमारे बेनिफिट्स एंड फीचर्स हैं, ठीक है। सो प्लीज आप सभी लोग इन्हें जल्दी से यूज करिए और आई गेस बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे फीडबैक्स हमें आ रहे हैं इन प्रोडक्ट्स के साथ। सो अगेन मुझे अभी पर्सनली अपनी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो ऑलरेडी यूज कर ही रही हूँ इन प्रोडक्ट्स को, तो आप सभी भी यूज करिए, अपने यंग कस्टमर्स जो ऑलरेडी यूथ है आपकी डाउनलाइन में या फिर आपके जो भी नोन में है उनको डेफिनेटली यूज करवाइए ये प्रोडक्ट्स, डेमोस दीजिए क्योंकि डेमो से बहुत जल्दी फर्क पड़ता है, इंस्टेंटली लोगों को जब स्किन पे पता चलता है फर्क तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है, तो मेक श्योर कि आप डेमोस दीजिए अपने प्रोडक्ट के, तो ताकि लोग फटाफट उस प्रोडक्ट को जो है परचेज करके यूज करें और स्किन को अपनी ग्लोइंग बनाए। सो थैंक यू सो मच, सो ओवर टू यू शिमाली। अनुकंपा एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, दैट व्हाट अबाउट कॉम्बिनेशन स्किन, तो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली बता दे दैट हाउ कैन वी मिक्स एंड मैच एंड द सॉल्यूशन सेट्स जो हमने लॉन्च किए। ओवर। ओके, सो कॉम्बिनेशन स्किन बेसिकली मिक्स स्किन होती है, लाइक हमारे जो फेस है वो टू एरियाज में डिवाइड होता है, टी जोन एंड यू जोन। सो टी जोन बेसिकली ये रहता है हमारा, ठीक है, सो टी शेप में, एंड यू जोन हमारा चीक्स एरिया होंगे। सो मिक्सिंग हमें कभी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो टी जोन एरिया है वो बहुत ज्यादा ऑयली है, मतलब हमारा जो ऑयल सिक्रीशन है वो चिन पे नोज एरिया पे ज्यादा है या इन एरियाज में आपको ब्लैक हेड्स फील होते हैं, व्हाइट हेड्स और एक्ने फील होते हैं, तो इट मींस आपका जो स्किन है वो टुवर्ड्स ऑयली है कॉम्बिनेशन में, तो उसमें आपको ये करना है कि आपको मिक्स आउट प्रोडक्ट्स करने होते हैं। लाइक उसमें अगर तो आपको ऐसा लगता है कि टी भी बहुत ऑयली है और ये भी बहुत ऑयली है, यहाँ पर भी हमें ऑयल है, तो आप बैलेंसिंग सॉल्यूशन पे ही जाओगे। अगर आपको लगता है कि सिर्फ ये एरिया है, साइड्स एरिया ड्राई फील होते हैं, तो आप मिक्स करोगे प्रोडक्ट्स को, जिसमें आपका क्लेंजर एंड टोनर जो है वो आप क्लेंजर एंड लोशन जो है वो आप हाइड्रेटिंग यूज करोगे और टोनर जो होता है वो मोस्टली टी जोन के एरिया के अकॉर्डिंगली होता है कि टी जोन हमारा कैसा है, तो तब आप जो है वो टोनर बैलेंसिंग यूज करोगे, ठीक है। अगर आपके चीक्स ड्राई हैं, रूखे फील करते हैं और टी जोन एरिया ऑयली फील करता है, तो टोनर होगा बैलेंसिंग, क्लेंजर मॉइस्चराइजर होगा आपका इसके अकॉर्डिंगली जो कि आपका हाइड्रेटिंग रहेगा। अगर आपको लगता है आपका टी जोन एरिया जो है वो ड्राई रहता है, लेकिन कुछ लोगों को स्पेशली वेदर चेंज होने पे या विंटर्स आने पे स्पेशली नोज एरिया के कॉर्नर्स रूखे ड्राई होने शुरू हो जाते हैं, लिप्स एरिया यहाँ पर ड्राइनेस आ जाती है, बहुत ज्यादा फ्लेक्स आने शुरू हो जाते हैं, तो इट मींस आपकी स्किन जो है वो टुवर्ड्स ड्राई है कॉम्बिनेशन में, तो उसमें टी जोन के अकॉर्डिंगली हमारा हाइड्रेटिंग जाएगा टोनर और यू जोन के अकॉर्डिंगली हमारे क्लेंजर और लोशन जाएंगे बैलेंसिंग, ठीक है। सो इस तरीके से आपको मिक्स एंड मैच करना होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको क्लियर किया कि अपनी स्किन को समझिए कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है आपको, तो कौन सा एरिया हमें ज्यादा ड्राई लग रहा है, कौन सा एरिया हमें ज्यादा ऑयली लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। सो इसमें कॉम्बिनेशन इस तरीके से भी बनता है कि जिसमें हम क्लेंजर और टोनर हाइड्रेटिंग देते हैं और बैलेंसिंग लोशन देते हैं, या फिर क्लेंजर और टोनर बैलेंसिंग देते हैं हाइड्रेटिंग लोशन देते हैं, तो ये हमें थोड़ा सा जज करना पड़ता है हमारी स्किन टाइप को
और स्किन एरिया को देखते हैं कि हमारा कौन सा एरिया, मतलब ये वाला ज्यादा वाला एरिया अगर आपका ऑयली है तो आपके दो प्रोडक्ट्स ऑयली वाले जाएंगे, बैलेंसिंग जाएंगे, और एक हाइड्रेटिंग जाएगा ड्राई वाला, ठीक है। सो इस तरीके से आपको मिक्स एंड मैच करना होता है प्रोडक्ट को। सो अगर आपकी क्लियर है कि पूरी ऑयली है या पूरी ड्राई है, तो डायरेक्टली अपने पूरे जो सॉल्यूशन है हाइड्रेटिंग या बैलेंसिंग वो आप चूज करिए, ठीक है। सो थोड़ा सा स्टिल ज्यादा इश्यू लगता है तो डेफिनेटली हम लोग आपके लिए हैं, आपको हेल्प करने के लिए। सो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड कर दूंगी कि आपको कैसे यूज करना है, ठीक है, अगर ज्यादा कंफ्यूजन आपको आती है। अदरवाइज आप थोड़ा सा पर्सन को डिटेल में पूछें, अगर उसकी स्किन कॉम्बिनेशन है कि कौन सा ज्यादा एरिया जो है फेस का, कौन सा एरिया ज्यादा उन्हें ऑयली लगता है या ज्यादा उन्हें ड्राई लगता है, उसके अकॉर्डिंगली